अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये मेरा कबूतर जो बीमार हो गया था, ये और अभी बच्चा भी आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा इसका। ये है कि मादी इसको खुद फीड करवा रही है। अब ये कल परसों से तो इसकी हालत ऐसी थी कि बिल्कुल ना पूछे गई है, ऐसा लग रहा था कि अभी मर जाएगा। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं शाह जी, उन्होंने एक मुझे ड्रॉप दिए थे मुझे कुछ, तो वो मैंने दिए हैं ड्रॉप इसको दिए हैं। तो सुबह आज दिए थे, 2-3 दिन पहले भी दिए थे, तो 2 दिन छोड़ के आज दिए। माशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अभी काले चने जो हैं इनके, वो भी भिगो के मैं इसको खिला रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों तक बेहतर हो जाएगा। चलें जी, अभी चलते हैं अपने कबूतरों की तरफ। चलें जी, टाइम हो गया जी अपने बर्ड्स को देखने का। तो बसंत का भी जी, पुलिस वालों ने बसंत वालों का सत्यानाश कर दी है। कुछ कुछ गुड्डे उड़ तो रहे हैं, ये भी उड़ा रहे हैं जी मेरे को। ठहर जाओ, तुम लोग मेरे किधर गिर्द हो गई हो, ठहर जाओ ठहर जाओ। अब ये दाना है मेरे हाथ में, दाना इन्होंने देख लिया है, अब इन्होंने पीछा नहीं छोड़ना है। पहले मैं डाल लूँ जी इसको, जो बर्तन रखा है जिसमें डालता हूँ तुम, क्योंकि इन्होंने उड़ उड़ के तो उसको मार मार के तो पंजे तो फाड़ देना। ये देखा है, ये लो, ठहर जाओ ठहर जाओ। चलो जी, ये डाल लिए, अभी चलते हैं जी अंदर। तो मजीद कबूतरों ने फिर जी अंडे दे दिए। ये अब येलो टेल ने अंडा दिया है, ये अब इसका अपना है जी, इसी नर के साथ है, ये जो नर लगा हुआ है अब इसका अपना है। वो इसलिए कि पहले तो चले मेरी गलती हुई है कि इन्होंने एग ले किए हैं, लेकिन मैंने उसको तोड़े नहीं है या नीचे से उठाए नहीं है, क्योंकि वो किसी और कबूतर का क्रॉस था इसमें, और मुझे लगता है कि वो क्रॉस था कौन से कबूतर का था जी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बच्चा भी उसी की तरह, बच्चा ये है तो क्रॉस इस कबूतर का, ये देख लें जी, थोड़ा बहुत इसी की तरह लग रहा है, ये वाला बच्चा तो ये इसी का क्रॉस था उसमें, तो जिस वजह से ये हाल हो गया है। तो अभी ये भी, इस पैर ने भी अंडे दोबारा दे दिए इनके बच्चे। एक ये है, ये एक बच्चा है, और एक इधर था, एक ये है, ये फिर है, एक ये है और एक ये है। ये तो आगे इनके जो बच्चे हैं उनके बच्चे हैं जी। तो येलो टेल ने भी दे दिए जी। अब ये अल्लाह की है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वो जो नर बीमार हुआ है तो ये उसी का बच्चा है। उसको तो बस लकवा जो ना हो गया जी, बहुत कमज़ोर हो गया। एक कोई हुआ है, काफ़ी दोस्त भाई कह रहे थे फोन भाई उस कबूतर को अलग कर लें, वाकई उसमें वायरस तो था लेकिन वो किसी में आगे मुंतकिल नहीं हुआ है, मतलब फैला नहीं है जी, तो मैंने टाइम से उसको अलग कर लिया था। ओए चले जी, अभी इनको डाल लेते हैं अभी। अच्छा, ब्लैक टेल के नीचे से अंडे मैंने नहीं उठाए हैं क्योंकि इनका कलर भी चेंज हो गया था, ये देख लें, अब इनमें बच्चे बन गए थे, तो बच्चे बन के कुछ दिनों में निकल आने हैं, इसमें भी बच्चा है। तो पहले ये ब्लैक टेल, तो ब्लैक टेल के साथ ही रही है, तो अल्लाह करे बच्चे भी उसी के निकल आए। मैंने चांस ले लिया है क्योंकि जब वो दूसरा जो केज था, दूसरे केज में आपको पता है उसी के साथ ही रही है, तो हो सकता है उसी का क्रॉस हो, तो बच्चे भी ब्लैक टेल ही निकल आए। तो फिलहाल दाना डाल देते हैं जी सबको, बच्चे भी इनके भूखे हैं। मैं आज मार्केट गया हुआ था, लेट हो गया हूँ, तो मैंने कहा चलो जी, पहले सुबह तो थोड़े से डाल दिए थे मेरे फादर ने, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। जब कभी नहीं होता हूँ तो इनकी देखभाल वही करते होते हैं, तो आज भी सुबह उन्होंने डाल दिए थे। ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी। चले जी, इनको दिए डाल, बहुत ज़रूरत पड़े तो और डाल देंगे। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद है ये हो जाना है जी जवान। थोड़ा सा कमज़ोर होगा क्योंकि सिर्फ मादी इसको कर रही है, फीड करवा रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसने पल जाना है। चलो जी, इनको भी डाल दिया जी, ये आजकल खुले रह रहे हैं। मज़े की बात जी, अब दो मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए क्योंकि आज हमें मिले हैं दो अंडे। एक तो मेरे ख्याल में ये रेड वाली ये दे रही है, और एक ये पुरानी वाली ये दे रही है, क्योंकि ये दो अभी दोनों छोटी हैं, इन्होंने भी नहीं दिया, ये नहीं आई थी,
ये मेरा पति जय जी वहाँ गया था अपने नानों के घर, ये वहाँ से ले आया, ये भी अभी छोटी है तो इसने भी अभी नहीं देने हैं। तो चले अभी देख लेते हैं जी इधर वालों को, तो इधर वालों को भी कुछ दे देते हैं जी। चलो जी ओए ओए उड़ के इधर नहीं आना, उधर ही रहना है, ये ना हो बाहर चले जाओ। हुसैन हुसैन तो जी बसंत के साथ ही लगे हुए हैं, तो आपको पता है जी जब बसंत हो तो बच्चों ने फिर काबू नहीं आना होता है, तो मैंने भी कहा चलो जी। ओए होई ये भी किसी ने दे दिया है जी अंडा इधर, लेकिन इधर तो बारिश आ गई, बारिश भी बताई रहे, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, ये दीवार से अभी भी ये गीले हैं थोड़े थोड़े, यहाँ कहीं से आ जाता है तो ये यहाँ पे तो खराब हो जाना है, लेकिन अब ये पता नहीं है किसकी है, अब या तो इस मादी का है तो या फिर इसका है, इन दोनों में से किसी का हो सकता है। अच्छा ये जी अभी खुद अलग करके रखे हुए थे तो इंशाल्लाह एक दो दिन में इनको उधर डाल देंगे, दूसरे कूतरों में छोड़ देंगे। चलिए फिलहाल इनको दाना डाल देती है। चलो जी आ जाओ, ये लो और डालता हूँ, फिलहाल ये खाओ ना, फिर आपको और डाल देता हूँ जी। चलो जी डाल दिया जी इनको। अच्छा जी ये बजरी की मादी, ये बजरी की मादी हर टाइम होती है तो इधर ही है, लेकिन अंडे ही नहीं है सभी का, हर टाइम इधर ही बैठी रहती है। उतरो उतरो इसको, थोड़ा पुराना लकवा है मेरा, रोजपुरी कबूतर है जी, पुराना लकवा है इसको। ओए ओए चले जी इनको भी दिया है डाल, अब चलते हैं बाहर, बाहर की सूरत हाल देखते हैं क्या है। अच्छा जी बता रहा था जी आपको बसंत के बारे में, ये छोटे कज़न मेरे लगे हुए जी बसंत के लिए जो फ्रंट पे जितने भी लड़के उड़ा रहे थे। ओए क्या कर रहे हो यार, हैं क्या कर रहे हो इधर फ्रंट पे जितने भी लड़के थे जी, बार बार पुलिस वाले, वो हमारी मेन गली है उधर बाहर, यहाँ पे इस साइड पे ना, तो पुलिस वाले आते हैं तो वो सारे लड़के भाग जाते हैं, बाजार से भी कोई भी नहीं उड़ा रहा, जहर है जी सख्ती थी तो मना किया हुआ था ना जी, बसंत नहीं मना नहीं है। तो फिलहाल छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये भी दोनों लगे हुए हैं, बस हर तरफ जो है ना फिलहाल गोले वगैरह बज रहे हैं जी। यहाँ पे क्या होनी है जी, हमारे इतनी बड़ी होती नहीं है जी, तो बसंत होती है तो असल में पिंडी वगैरह में होती है, तो यहाँ पे क्या बसंत होनी है। चले फिर भी ये उड़ा रहे हैं तो उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं जी भी इन्होंने क्या क्या पास रखा हुआ है, थोड़ा सा टच ये भी आपको दे लेते हैं। हाँ जी तुसा पुलिस वाला गुरु बचे हो है ना वो उधर गली में तो यार उन्होंने बड़ा बार बार आ रहे हैं, कौन ही गुड्डे, अच्छा वो रखे हुए जी चादर के नीचे हैं, छुपा के रखे हुए हैं, हाँ देखा ना जी कैसे छुपा छुपा के रखे हुए इन्होंने, ये अब इन्होंने सब जो है छुपा के रखे हुए हैं। उधर से भी कौन ही उड़े हैं यार, बन्नी सराह से भी नहीं उड़े हैं, हैं। चले जी एक छोटा सा व्लॉग और तमाम दोस्तों भाइयों के साथ किया है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जी आप तमाम दोस्तों भाइयों के साथ मुलाकात होती है दोबारा नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।